हाँ तो भाई ये तो तीन चार गाड़ियां नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है तकरीबन। गर्म दियार सही हो। पश्तून तहफ़ मूवमेंट के सरबरा मंजूर पश्तीन ने संजावी में गरीब पश्तून ट्रक ड्राइवरों पर हालिया हमले की शदीद मजम्मत की है। इस हमले के नतीजे में मासूम लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हो गए, जबकि उनके ट्रकों को आग लगा दी गई। ये वाकियात न सिर्फ मकामी लोगों के लिए गम गुस्से का बाइस बने, बल्कि इसने एक बार फिर हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया। दुकई, संजावी और करीबी इलाकों में फोर्सेस तहफ़ के नाम पर कोयले के हर टन पर इजाफी पैसे लेती हैं, लेकिन आज वो जवाब देने से कासिर है कि उनका तहफ़ कहाँ है। मकामी लोग मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल और तशद्दुद के खतरे में जी रहे हैं, जबकि उनके वसाइल को जबरन इस्तेमाल किया जा रहा है। मंजूर पश्तीन ने फोर्सेस के तहफ़ के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरनाई, दुकई, संजावी और करीबी इलाकों में फोर्सेस कोयले के हर टन पर इजाफी पैसे वसूल करती है, लेकिन जब असल में तहफ़ की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ थे। इन इलाकों में कोयले की सनत पर इजाफी टैक्सेस और भत्ते की वसूली ने मकामी आबादी की मुश्किल में मजीद इजाफा किया है। गरीब पश्तून ट्रक ड्राइवर जो रोजी रोटी के लिए कोयले की तरसील करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत का सिला उन्हें जानी व माली नुकसान की सूरत में मिलता है, जबकि फोर्सेस उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। मुख्तलिफ मौके पर मंजूर पश्तीन ने कहा है कि पश्तून अवाम के साथ दहाइयों से होने वाले जुल्म व सितम को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमले पश्तून अवाम की जद्दोजहद को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि उनके अजम को मजीद मजबूत करेंगे। पीटीएम के कारकुनान और हामी इस मुश्किल वक्त में मुतहद होकर अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। ये पहला मौका नहीं है कि पश्तून ट्रक ड्राइवरों को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल मंजूर पश्तीन बलोचिस्तान के तंजीमी दौरे पर थे और हरनाई के करीब पहाड़ों से जब उनका काफिला गुजर रहा था, तब भी ऐसे ही वाकयात पेश आए थे जहां पश्तूनों के बहुत से ट्रकों को जलाया गया था। इन हमलों ने न सिर्फ पश्तून अवाम में खौफ हिरास पैदा किया, बल्कि उनके माशी वसाइल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। पश्तून तहफ़ मूवमेंट ने इन वाकयात की भरपूर मुजाहमत का ऐलान किया है। मंजूर पश्तीन का कहना है कि जारी बदमनी और मुख्तलिफ हेलो बहानों से पश्तूनों के वसाइल पर कब्जे और पश्तून साज व सामान की लूटमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहमत जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि पीटीएम अपने अवाम के हकूक के लिए हमेशा कड़ी रहेगी और किसी भी किस्म की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी।